हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आज का जो टॉपिक है ये महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि महिलाओं को जो है उतना मालूम नहीं होता, उतना पता नहीं होता है कि कैसे कैसे मेडिसिन खाना है, और जो पुरुष जो है मेडिसिन ला कर देते हैं, लेकिन उससे क्या हानि है, क्या लाभ है, आगे चल के आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आज के वीडियो में यह चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम गर्भ निरोधक गोली की बात करें लेने के लिए, तो इसके भी कुछ समय होते हैं और कुछ तरीके होते हैं। ऐसे नहीं जब चाहे तब ले सकते हैं। जब मासिक धर्म समाप्त हो जाता है, ठीक है, जब ऋतु स्राव समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद यानी आफ्टर 2 डेज बाद जो है मेडिसिन ले सकते हैं, और या 7 डेज तक नॉन स्टॉप ले सकते हैं। कौन सा मेडिसिन? तो मालाडी, यहां पे लिखे हैं प्रतिदिन यानी डेली डेली, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपके पास कोई नजदीकी डॉक्टर है तो सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। मालाडी जो है डेली लिया जाता है, और ये सहेली प्रति सप्ताहिक यानी एक सप्ताह में एक गोली लिया जा सकता है, ठीक है। अब अनवांटेड 72 की बात करें, तो ये अनवांटेड 72 3 या 4 डेज आपके लिए काफी है। 3 या 4 डेज तक अगर आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप अनवांटेड 72 बढ़िया चल रहा है। और इस पे एक चीज और देखेंगे, आपको इस पे प्रिंट मिलेगा। प्राइस प्राइस के बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्राइस मिलेगा आप 100 से अबव मिलेगा, लेकिन इसका एक्चुअली जो है 50 रुपी में मिल जाता है। बहुत चिपली रेट है मार्केट में, आपके नजदीकी जो भी मेडिसिन शॉप है वहां पे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि यह महिलाओं के शरीर में किस प्रकार मेडिसिन जाकर कार्य करता है, ठीक है, और क्या हानि उत्पन्न होता है, क्या हानि हो सकता है। तो सबसे पहले अंडोत्सर्ग को रोक कर, यानी स्त्रियों के फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवर्ग में अंड वाले दोनों भाग जो होते हैं, जैसे कि बहुत पहले हम एक फिगर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड जो है अंडे दिखाई दे रहे हैं, जहां पे अंडे का निर्माण होता है, इनके निर्माण में वो कमी ला देगा, ठीक है। अब वो जब मेडिसिन खाएंगे और अंडे के निर्माण में कमी ला देगा, तो पीरियोडिक साइकिल का जो है आपका समय अंतराल जो है कम हो जाएगा या पहले की अपेक्षा कम होगा, ठीक है। तो अगर आपकी महावारी यानी एक प्रकार से MC जिसको बोलते हैं, अगर यह समय पे नहीं आता है या आप जबरदस्ती बंद करा देते हैं, तो इससे सबसे भारी नुकसान आपके आंखों का है। इससे आंखों की रोशनी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए इसको जो है पीरियोडिक साइकिल यानी एक प्रकार से MC जो बोलते हैं, इसको आप रोक नहीं सकते। अगर इसको रोकेंगे बाय मेडिसिन तो इससे आपको काफी हानि हो सकता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा चीज, अंडवाहिनी की गतिशीलता को रोक कर, यानी फैलोपियन ट्यूब में अगर अंडा का निर्माण हुआ, ठीक है, तो वो गति करता है, ठीक है, वो ओवरी से चलकर फैलोपियन ट्यूब तक आता है, तो वो चलने की जो गति होती है वो मेडिसिन जाकर के उस गति को धीमा कर देगा, ठीक है। और एक निश्चित समय के बाद जो है वो अंडा जो है जो निर्माण होता है एक साइड, कभी इस महीने इस साइड तो अगले महीने उस साइड, तो ये क्या होता है, जब निर्माण होने के बाद जब उसका प्रयोग नहीं होगा तो वो अंडा खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो वही एक प्रकार से कचरा बन जाता है, जो MC यानी मंथली साइकिल के रूप से हर महीने एक निश्चित तारीख को बाहर निकल जाता है, कचरा युक्त, ठीक है, इसको नहीं रोक सकते। तीसरा, ग्रीवा म्यूकस शुक्राणु से प्रवेश, यानी जो योनि का बाहरी द्वार होता है उसके अंदर जब आप स्पर्श करेंगे तो हल्का सा मांसल भाग दिखाई दे महसूस होगा, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं या लेंस के द्वारा देख सकते हैं, तो वहां पे जो शुक्राणुओं को प्रवेश होगा, बहुत सारे लोग जो है सीशन पे बहुत सारे क्रीम्स लगा करके रिलेशनशिप बनाते हैं, इससे क्या होता है कि शुक्राणु की, जैसे ही शुक्राणु सीशन के मुख से बाहर आता है, मुंड से बाहर आता है, तो उनमें जो भी शुक्राणु लाइव रहते हैं यानी जीवित रहते हैं वो डेड हो जाते हैं उस क्रीम के कारण, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, उस शुक्राणु के प्रवेश में अवरोध उत्पन्न होता है, यानी एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न, रोका जाता है ताकि वो शुक्राणु जो है उसके अंदर प्रवेश न करे और वह गर्भ धारण नहीं करे। चौथा पॉइंट है गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में बदलाव, यानी कि यूटेरस के अंदर जो उसकी परत होती है उसके अंदर जो है एक प्रकार से बदलाव होता है कि आपके शुक्राणु जो है इसकी गतिशीलता को स्लो कर देगा और उसको इतना जल्दी परिपक्व नहीं होने देगा, यानी पूर्ण रूप से निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, जिसके कारण आप गर्भ अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। तो इन मेडिसिन का उपयोग जो है आप लेने से, हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा कम मात्रा में ले, ये मेडिसिन जो है ठीक है लेकिन थोड़ा सा हानिकारक भी है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजों को ज्यादा अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो इसकी भरपाई आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने जो ये प्रक्रिया का शुरुआत की है पहले, आज से कई करोड़ों वर्ष पहले, आपको शायद मालूम हो या नहीं हो, ये एमसी वाली जो बालिकाओं में समस्या थी वो 8 ईयर की थी, यानी 8 साल पे होती थी, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद ईश्वर का वरदान कहिए इसको टाइमिंग इंक्रीज जो है 12 ईयर हो गया। अब हम ये बात बता रहे हैं, बहुत लोग को ऐसे झूठ लगेगा, ठीक है, लेकिन शायद आप कुछ पुराने पुस्तक उठाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो 12 साल के बाद जो ये साइकिल शुरू होते हैं, इनमें फर्स्ट टाइम जो बच्चियों का ये परेशानी होती है, इनमें उनका माँ का साथ होना चाहिए ताकि जो है प्रॉपर ढंग से केयर करें और बताएं कि किस प्रकार के जो है पैड्स का यूज करना है और किस प्रकार क्लॉथ का यूज करना है, कैसे रहना है, ठीक है, क्योंकि बच्ची जो है जब फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ये एमसी जो है शुरू होता है, तो इसमें थोड़ा उनको अनफिट महसूस होता है, चाहे वो स्कूल जाने में हो, कोचिंग क्लासेस जाने में हो, तो उस समय हमारे तरफ से मतलब कि कम से कम 2-3 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, और धीरे 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 जब उनको, उन बच्ची को, उन बेटियों को समझ में आ जाएगा तो अपना जो है सिक्वेंस वाइज आप हर मंथ जो अपना सब काम देखभाल कर लेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखे कि ये मेडिसिन जो है किस प्रकार काम करते हैं। अब इन मेडिसिन का अगर आप ज्यादा सेवन करते हो तो आपका मासिक चक्र अनियमित हो सकता है, ठीक है, हाथों पैर में झंझनाहट हो सकती है, सिर में हमेशा दर्द रह सकता है, वीकनेस यानी कमजोरी आ सकती है, यानी कि जैसे कि आप अगर किसी काम में लगे हैं और छोटा सा काम हो, फिर आप काम करके जैसे समाप्त करके उठते हैं आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आज बहुत ज्यादा काम किया और थकान बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, कमर में दर्द होगा, तो इनका प्रयोग जो है कम से कम करें। और सबसे बढ़िया उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है कि आप सर्जरी के द्वारा फैलोपियन ट्यूब के दोनों पाइप को कट करके वहां पर, यानी एक प्रकार से नस बंदी करा ले, ठीक है, अगर महिला को संभव हो तो महिला भी करा सकते हैं, पुरुष भी करा सकते हैं, ठीक है, और आप अपने परिवार का ख्याल खुद रख सकते हैं। फिर हम मिलेंगे आपको नए नए टॉपिक के साथ, बस फॉलो लाइक सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, हम ऐसे ही आपको नए नए चीजों के बारे में जानकारी देते रहेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, जय हिंद।